ये बल्कि कूलर है 1000 लीटर का, इसमें रॉ मिल्क होता है, अंडा वगैरह होता है। पहले दूध इसके अंदर डालते हैं, डम टैंक है 200 लीटर का, इससे दूध जो है पीएमसी में चला जाता है और वहाँ ठंडा होता है। जब पैस्चराइज करना हो तो यहाँ पे हम वाल्व को चेंज करते हैं और ये पाइप लाइन के थ्रू इस बैलेंस टैंक में आता है। इस टैंक से पाइप लाइन के थ्रू फिल्टर होके मिल्क पंप के थ्रू ये जाता है अब तक हीट एक्सचेंजर में। ये हीट एक्सचेंजर में हीट होने के लिए जाता है और ये गर्म होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक स्टीम बॉयलर है, जो कि ये है हमारा हॉट वाटर जनरेटर। इससे स्टीम से पानी को गर्म किया जाता है और पानी जो है इस पीएचई में जाता है हीट गर्म होके और नॉर्मल मिल्क को, ठंडे मिल्क को गर्म करता है 72-75 डिग्री टेम्परेचर पे, और ये फिर होल्डिंग लाइन में वापस चला जाता है। होल्डिंग लाइन में जाके 20 सेकंड की होल्डिंग होती है, फिर वापस ये पीएचई में आ जाता है ठंडा होने के लिए। ये आपको दिखाते हैं, ये है अब ये आईबीटी है। इस आईबीटी के थ्रू पानी ठंडा हो जाता है और ठंडा पानी जो है इस पीएचई में चल रहा होता है, इससे मिल्क का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है अप टू 4 डिग्री। 4 डिग्री डाउन होने के बाद में ये आउटपुट निकलता है वापस ये स्टोरेज टैंक में प्रेशराइज होके। स्टोरेज टैंक में फिर यहाँ से हम बॉटल फिलिंग या कुछ भी पाउच पैकिंग कर सकते हैं। ये होमोजेनाइजर है, इसमें जब होमोजेनाइज करना हो दही वगैरह के लिए तो इसकी लाइन भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी लाइन अभी हमने निकाली हुई है, जब होमोजेनाइजर चलाना होता है तो इसकी लाइन कनेक्ट करके हम होमोजेनाइजर के थ्रू होमोजेनाइज कर सकते हैं मिल्क को अपने अकॉर्डिंग। ये हमारा कंट्रोल पैनल है पैस्चराइजर का, इस पर आईबीटी का टेम्परेचर और मिल्क का टेम्परेचर, इनपुट आउटपुट और अपने गर्म पानी का हीटर का टेम्परेचर सब शो करता रहता है। ये पूरा कंट्रोलर है हमारा, ये हमारा कंट्रोल पैनल है, सब बढ़िया क्वालिटी का पार्ट लगा हुआ है इलेक्ट्रिक कंट्रोल में। सारे एम्पियर वोल्ट वगैरह सब शो करता है, यहाँ पे ये सायरन है, यहाँ से हम मिल्क को फ्लो जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके थ्रू। पूरा मिल्क का प्लांट है।